मोहम्मद शमी जैसा कमाल का गेंदबाज हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में है, इसका हमें गर्व है। घर में इतनी तकलीफ होने के बावजूद शमी हमारे देश का नंबर वन बॉलर है। उनकी बीवी हसीन जहां, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से है, इन्होंने शमी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाए। दहेज लेना, घरेलू हिंसक के, दूसरे लड़कियों से नाजायज संबंध के, पुलिस केस तक कर दिया हसीन जहां ने अपने पति के ऊपर, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी से केस जीता और आज इंडिया के नंबर वन गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 14 इनिंग्स में 45 विकेट लिया है, जो कि हमारे इंडियन बॉलर्स का अभी तक का बेस्ट है। मोहम्मद शमी के नीचे जहीर खान है, जिन्होंने 23 इनिंग्स में 44 विकेट लिया है। अरे मोहम्मद शमी को शुरू के 4 मैच और क्यों नहीं खिलवाए? अगर शमी शुरू से लेकर अभी तक खेलता तो उसने करीब अभी तक 30 विकेट ले लिए होते, लेकिन वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या की वजह से मोहम्मद शमी नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि हमारे सिलेक्टर्स को हार्दिक पांड्या में दो खूबी दिखती है। वो एक ऑलराउंडर है जो बॉलिंग भी करवा लेता है, उसको बैटिंग भी आती है थोड़ी बहुत। लेकिन हार्दिक पांड्या के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, वो किसी की भी सेंचुरी होने नहीं देता, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है। पता नहीं उसको किससे जलन होती है, उसको खिलाड़ियों से जलन होती है या फिर इस बात से जलन होती है कि उसकी सेंचुरी नहीं हो रही, तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अभी हाल ही के वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल आराम से सेंचुरी बना रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक मिली और उसने छक्का मार दिया। इससे पहले भी उसने युवक तिलक वर्मा के साथ ऐसा किया था, उसको सिर्फ एक रन चाहिए था हाफ सेंचुरी बनाने में, लेकिन उसने छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। अरे हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और रविंदर जडेजा से कुछ सीख। उमने कोहली की सेंचुरी होने में अपना कैसा योगदान दिया था। अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होता तब हम लोग शमी का ये शानदार प्रदर्शन नहीं देख पा रहे होते। आपका मोहम्मद शमी के ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।